मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूँ, ये ग्रामीण अंचल है और अमूमन कवि सम्मेलन ग्रामीण अंचल में हो नहीं पाते। अगर होते भी हैं तो कई बार व्यवस्थाएं ऐसी होती है, कई बार वक्त भी नहीं होता। और हमारे युवा सरपंच, वरना हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब आदमी पूरी तरह निचुड़ जाता है तो सरपंच बनाया जाता है, लेकिन जितने ऊर्जावान, जितने विजनरी सरपंच आपने चुने हैं, मैं चाहता हूँ एक बार हमारे भाई ओम प्रकाश धनक जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और दिख भी रहा है, जो लोग कुछ पीछे बैठे हुए हैं, जो अगर कभी सम्मेलन सुनने ना आए हो तो एनर्जी वेस्ट क्यों करें, तब से अब तक बैठे हुए हैं। मेरे अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि जो था वो निकल लिया सब, अब केवल मैं ही बचा हूं, तो ढंग से दो तो ठीक है, वरना मैं भी निकल लूंगा। बस देखिए, तालियां किसी कविता की सफलता असफलता का कोई पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं है, लेकिन किसी कवि की कौन सी बात आप तक पहुंची है इसकी प्रतिक्रिया उस तक आनी चाहिए। वो तालियों के माध्यम से भी हो सकती है, आवा के माध्यम से भी हो सकती है। समस्या ये है, सियासत ने जनता को हमेशा दूर रखा, कवि सम्मेलन ने पास किया, फिलहाल हम यहाँ आए तो आप इतने दूर हैं कि आपकी तालियां तक यहां तक नहीं पहुंच रही। तो मैं एक निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए, जितने लोग युवा हैं वो जल्दी से उठकर आगे आके बैठ जाए, पारिवारिक संगोष्ठी बने तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा जल्दी से आ जाएंगे तो। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। जब तुम्हारे पास मौका था नहीं कर पाए, गलती किसकी, हमारी थोड़ी है, लेकिन प्रेम के बड़े समझ। तालियां बजाओ एक बार जोरदार, तालियां बजाइए जोर से। उन्होंने बहुत मन से प्रेम बताया, और हमारे बुजुर्ग जब इतने प्रेम करने वाले हो तो हमसे क्या उम्मीद करेंगे आप। एक बार मुझसे बोले, बोले मनवीर तुम्हारी इस उम्र में लड़कियां तुमको प्यार नहीं करती, कभी मेरे यहां आओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना लोकप्रिय हूं और कितनी लड़कियां प्यार करती हैं। मैं भी भावुकता में पहुंच गया, छाता तो मुझे इन्होंने गाड़ी में बिठाया, पूरा छाता घुमा दिया, फिर एक कोठी के सामने खड़े होकर बोले, बोले देख रहे हो सामने ऊपर खिड़की पे वो लड़की मेरे लिए रुमाल हिला रही है। अरे मैंने कहा रद्दू चश्मा ठीक कराओ, वो लड़की रुमाल नहीं हिला रही, घर की नौकरानी है, शीशे साफ कर रही है। इस उम्र में प्रॉब्लम हो जाती है। तालियां, देखो क्या है, तालियां बजाते रहो, ये आनंद का उत्सव का समय, गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, उत्सव उमंग यही सारी चीजें हैं, आनंद का समय है तो आनंद से जिए। मैं बहुत सारी चीज समझाता, ये जो प्रेम की बातें कर रहे थे, हमारे वो सरपंच साहब भावुक हो गए, उन्होंने भी आके एक शेर पढ़ दिया। वैसे सरपंच साहब आपको मैं बताता हूं, जवानी में बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, जवानी में बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये नैया पार होती है, ये बेड़ा गर्क होता है। मधुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो बस सिचुएशन को देखा और उस बात पर कही, और उसी बात पर एक शेर और याद आ रहा है आपके जवाब में, बिल्कुल वो जरूर सुनाओ। कुर्बत होती है जिंदगी जब मौत से, तो तमन्ना एक लम्हा जीने की होती है, और प्यासे रह जाते हैं वो शराबी जिन्हें आदत मुफ्त में पीने की होती है। तो मैं इस महफिल में मैं भी प्यासा नहीं रहना चाहता। आज आपने सरपंच साहब सिद्ध कर ही दिया कि आपने पैसे क्यों लगाए यहाँ। नहीं बहुत अच्छी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है, आज़ादी के 70 वर्षों में हम कहाँ पहुँचे हैं। मेरे बहुत प्यारे भाई विष्णु गौर यहाँ पर बैठे हुए हैं होटल से, और मेरे छोटे भाई बहुत ओज के बड़े हस्ताक्षर हैं राधाकांत पांडे जी, हमको कहीं जाना था तो मैंने कहा तुम चलो आज, बोले भाई साहब मैं जाऊँगा नहीं, मैंने कहा नहीं चलो कम से कम सुन तो लो, पहली बार बड़े भाई को ढंग से सुन के भी देखो सामने से, वरना अच्छा दिक्कत क्या है, जो आदमी सुनाने का आदि रहा उसे सुनने की आदत नहीं होती। तो आज इनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति है, मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई राधाकांत पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कभी मौका मिला तो आप उन्हें सुनेंगे। मेरे समोज सिंह जी को मैंने पहली बार सुना है यहां, मैं उनको विशेष बधाइयां देना चाहता हूं, जो तेवर उनका है, और आपको इसलिए भी उनका अभिनंदन करना चाहिए कि लोग जब देश का भक्षण करने के लिए तैयार हैं, वो एक रक्षक बन के इसकी भूमिका में हैं, तो मुझे लगता है आपकी तालियां उठनी चाहिए। इस देश में आजादी के 70 वर्षों में यह भी हुआ कि एक हमारे यहां यूपी से बोल देता है कि सेना तो रेप करती है, आप सोचकर देखिए, मैं उनसे कहता हूं महाशय आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन कम से कम सेना पर टिप्पणी तो मत करिए। एक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री
आप जान रहे होंगे, नाम लूंगा तो हम समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। क्या फजीता है? वो कहता है सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने कहा कि इसके प्रमाण पत्र दो। तो मैंने कहा जी दो ही तरीके हैं प्रमाण पत्र देने के, अगर ठीक लगे तो आपकी तालियां उठें। मैंने कहा पहला प्रमाण पत्र तो ये है कि सेना अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करे तो इसे आगे रखो, तभी तो पता लगेगा, और नहीं तो फिर इसके घर में करके दिखाओ। आप सियासत करते करते क्या बोल जाते हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, जितना कविता सुनने वाले लोग हों सबकी ऊर्जा भी देखना चाहता हूं और मन भी देखना चाहता हूं मेरी बात अब तक कितना पहुंचती है बताइएगा। कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। और मीरपुर कोराली वालों, जितने युवा बैठे हैं अगर मेरी बात ठीक लग जाए तो सबकी तालियां उठें कि भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। और जो कहा गया कि आवाज उठी दिल्ली से कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक कभी बड़ा तनाव में आ गया, बोले भाई साहब गलत बोला इसने। मैंने कहा क्या बोला? बोले हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा जरूर निकलेगा, जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से कौन निकलेगा? रामचंद्र जी निकलेंगे, अफजल ही निकलेगा, और साले को निकल ही जाना चाहिए। एक हैदराबाद से बोल देता मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि आपको जय बोलनी है या नहीं बोलनी है, तुम्हारे घर आके कोई पूछने भी नहीं जा रहा कि आपको जय बोलनी है या नहीं, लेकिन सियासत में रहने के लिए जब बदतमीजियां करते हैं वो कहता है कि मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे कवि मित्र ने पूछा बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। दो बार बोलवा दिया तेरे से, काय का तनाव लेना यार। और हम कहते हैं तुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी, मत बोल, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दे, काम अपना उससे भी निकल जाएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यू वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। लोग कहते हैं असहिष्णुता है, मैं कहता हूं हम कितने उदारवादी हैं कभी देखिए। लोग कहते हैं असहिष्णुता है, मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने, माता पिता ने, गुरुओं ने सिखाया कि बेटे जमीन पर पैर रखो तो देख कर रखना कोई चींटी तुम्हारे पैर के नीचे दबकर नहीं मर जाए। हम एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए भी संकल्पित हैं और हमसे कह दिया जाएगा हम असहिष्णु हैं, हम कितने उदारवादी हैं। ये पहली चार पंक्ति आपके आंगन में रखता हूं और अपने छोटे भाई सतीश श्रीकांत जी को समर्पित करता हूं। आ जाओ आप, पहली चार पंक्तियां सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं, और शुद्ध कविता की पंक्तियां पढ़ो, शुद्ध कविता की पंक्ति हैं तो मुझे प्रतिक्रिया जरूर मिलनी चाहिए, निवेदन करता हूं, सुनिए। आपको सुनना था मुझे कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम, एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम, और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम, और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम, धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा कुत्त होंगे मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और कोराली वालों, तीन शहीदों का सम्मान आपने किया है, सैल्यूट आपको, लेकिन अगली पंक्ति में अगर देश का जवाब यही हो तो आपकी तालियां इतनी जोरदार हो जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं उनके गालों पर तमाचे के रूप में पड़ जाएं कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा कुत्त होंगे मुट्ठियों को भींच लेंगे हम, किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम, किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। हमारे दद्दू ने कहा कि प्रेम का अधिकार सबको है, मैं योगेश्वर कृष्णा की भूमि से भी हूं और उनका वंशज भी हूं। मेरी चार पंक्तियां सुनिए, प्रेम का मतलब मेरे मायने में क्या है,
और आपके ग्रामीण अंचल का सोच क्या रहा होगा। मैं ये चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, प्रेम का मायने समझिए कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सब पुण्य सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सब पुण्य सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति दिल पर ठस से लग जाए तो सबकी तालियों के पीछे तक और आप सबकी भी, कि प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी, कि भूखे रहे या के रोटी भात जो भूखे रहे या के रोटी घास की चुनी हूं, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो युद्ध में शहीद, चले गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिए कि आप कहां पैदा हुए, कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या हैं ये महसूस तो करिए, कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते हैं और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। अच्छा, चीन हमको धमकी देता है, आपने देखा होगा। लेकिन आजादी के 70 वर्षों में लोगों का मानना यह है कि अच्छे दिन आए नहीं आए। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है अच्छे दिन लाने का, अच्छे दिन समझने का। एक सरकारी कर्मचारी को अधिकारी बनवा दीजिए, उसके अच्छे दिन आ गए। राहुल गांधी की शादी करवा दीजिए तो कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए। लेकिन किसी का वक्त खराब हो तो कोई कर क्या सकता है, ये बताइए। आप ये देखिए कि जो उम्र राहुल गांधी की बेड बिछाने की थी, हमारे यहाँ यूपी में आके खाट बिछाते रहे। और अगली पंक्ति में सबके ठाके भी और तालियां भी उठे। जो उम्र उनके बेड बिछाने की थी, यूपी में खाट बिछाते रहे। उनको थोड़ी पता था पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे लेट जाएगी। वक्त खराब होता है तो होता ही है, लेकिन हमें आंखें दिखाता है। आप देखिए, आजादी के 70 वर्षों में आज तक किसी कश्मीरी राजनेता ने स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये आजादी के 70 वर्षों में पहली बार है जब वहां की मुख्यमंत्री खुद बोलती है कि नहीं, कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। आज तक यह भाषा भी नहीं आई जब पहली बार केंद्र से ने यह भाषा इस्तेमाल की कि गोली हमारी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर उधर से गोली चलती है तो गिनती भी मत करिए कि गोलियां कितनी चलती हैं। यह भी आजादी के बाद पहली बार है कि यह बोला जाता है। चीन से हम हारे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। समोज सिंह यहां पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे होंगे सेना के परिवार से। एक चीज हमसे हमेशा छुपाई गई, चीनी बॉर्डर पर एक जगह है रिजंगला, वहां पर 62 के दौर में ही 124 सैनिकों ने, केवल 124 सैनिक थे, ये गर्व की अनुभूति हो, रोमांच पैदा हो तो बताना, 124 सैनिक जिनका भारत से संबंध कटा हुआ था, जिनके पास हथियार प्रॉपर नहीं थे, रात के सुबह के 4 बजे चीनी सेना ने 3000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया।
और 124 बेटों ने, जिनमें से 114 शहीद हुए, 1500 चीनी सैनिक मारे और चीन को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये? चीन धमकी देता है, अच्छा आंख भी वो दिखा रहा है जिसकी साड़े की खुद की दिखाई नहीं देती। तो मैं कृष्ण का वंशज, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। एक छंद सुनिए जो मैंने चीन पर लिखा है, अच्छा लगे तो सबका मन मांगता हूं, निवेदन करता हूं, सुनना। कि खुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और जो सैनिकों का पक्ष में रख रहा हूं, आपके शहर के, आपके कस्बे के पानी का तेवर रख रहा हूं, जहां तीन तीन बेटे बलिदान हुए देश पर, तो फिर आप सबका मन में यह देखना चाहता हूं, आप सेना को कितना प्यार करते हैं। केवल एक क्षण सोचकर देखिए दोस्त, हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। हमें जरा सी सर्दी लगती है, हम गर्मी की तलाश में निकलते हैं। अपने उन बेटों और अपने उन भाइयों को याद तो करिए जो -45 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर आपके लिए तैनात है, ताकि उत्सव मनाते हैं। और कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर देगा, मैंने कहा था और ठीक लग जाए, मैं सेना पर इससे बेहतर नहीं बोल पाया, लेकिन मेरी चार पंक्तियां अगर सियासत का कोई व्यक्ति बोलता मिल जाए सेना के खिलाफ, तो उससे ये चार पंक्तियां बोलिए जरूर। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? और अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो तालियों के साथ बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? तालियां कमजोर है, पीछे तक सबकी तालियां उठा, सेना के पक्ष से बात कर रहा हूं मैं। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और ये टिप्पणी करेंगे, जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते, सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। और हम अपेक्षाएं लेकर, अपेक्षा आइए चार पंक्तियां सुनिए, रोमांच की भी और आनंद की भी। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस। मेरे बड़े प्यारे भाई दोस्त दीपक जी है तो शानदार, लेकिन गुप्त रहते हैं। आजा आजा। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घम, इनका कॉन्फिडेंस लेवल तब से बहुत हाई है जब से आम आदमी पार्टी ने दो गुप्ता भेजे हैं। बड़े सड़म, मैं भी तो गुप्ता हूं तो दाव लग सकता है। मैं चाहता हूं एक बार तालियों के साथ बताइए, घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ है उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और दावा कर रहा हूं, जितने लोगों के हृदय में देश धड़का होगा, एक बार भी जिंदगी में किसी की तालियां खामोश नहीं रहेंगी, अगर मैं शौर्य की बात कर रहा हूं तो। कि हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के भी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। वाह वाह, अच्छा लगा। अच्छा, इसमें भी दोबारा देखिए भाई साहब, मैं तो यूपी का हूं, मैं खुद सप्लीमेंट्री में पास हुआ, तो इस बात की गारंटी क्या है कि दूसरी बार में भी समझ में आएगा। और देखो होता क्या है, गांव के लोगों की एक आदत होती है, पहले तो भीड़ इकट्ठा करके चुनाव में खड़ा कराते हैं, बाद में जमानत जब्त। तो ये नहीं करे तो मैं दोबारा सुनाऊंगा। खुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे,
हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे, हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे, कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे, भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के। एक बार जोरदार तालियां मनवीर के लिए, बहुत मेहनत करता है मेरा भाई। अच्छा, फरीदाबाद वाले कुछ कर दिए? जी सर, हमें तो कोई पूछता ही नहीं भाई ना, पर मैं तो गुप्ता हूँ, पर मुझे तो फरीदाबाद का गुप्ता नहीं पूछता भाई। नहीं नहीं, इससे ये नहीं समझ आ रहा है। जिसके जिसके उजाले में ये रोज सुबह उठते हैं लोग, ऐसे रवि को भी रवि सदा एक जैसा नहीं होता है उजाला, और शाम होते ढलता है अभी नहीं मानते, शाम होते ढलता है अभी, और फरीदाबाद क्या करो। मैं बताना केवल ये चाहता हूँ, ये बहुत सारी चीजें हैं, अब कुछ नहीं तो वो मोदी पर लोग नाराज हैं। आप ये देखिए, अच्छा मोदी भी कमाल है, वो एक तरफ जाते हैं बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोलते हैं शौचालय बनवाओ, पूरा विपक्ष तनाव में है कि यार जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे। हाँ तो शौचालय किस बात का भाई, तालियां बजाओ। लेकिन इतना विद्वान प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला आपको, जिसने ये सिद्ध करके और बताया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको पता होगा एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते और ना राहुल गांधी। तालियां बजाओ, इसको कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काम ही ऐसे करोगे खुद कर पाने दूसरा। कि भारत से कभी टकराना नहीं चीन, अब ये मुझे छेड़ते हैं, बताइए क्या करूं। कि भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सेना पर जो चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं यकीन करता हूं, शायद मुझे लगता है इससे बेहतर मैंने कुछ नहीं कहा होगा, एक उपमा में देने की कोशिश करता हूं, सुनना। जो टिप्पणियां सेना पर करते हैं उनके खिलाफ, और जितने सैनिक मन के लोग बैठे हैं सेना के परिवार से बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनना। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। याद रखिए, सेना कभी नहीं हारती, सियासत हमेशा हारती है। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो, एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो, एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और फिर यकीन कर रहा हूं कि सबकी तालियां उठेंगी इस उपमा पर। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी। मैंने कहा यूपी में भी करवा के। अच्छा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, यूपी में आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा यूपी में भी करिए, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर का हमारा नाम तो जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, साइकिल लेके जाता है, वहां साइकिल खड़ी करता है। फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर RDF रख के आता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाइए। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो फाइनल नहीं करने देते, फाइनल प्रक्रिया कहां से करें। और बोले जितना नुकसान हमने यूपी में उठाया, दाव चढ़ जाता तो पूरा हिंदुस्तान उड़ा देते, तो हमने नुकसान कम नहीं किया उनका। सुनिए कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। वह
बोले गुप्ता जी मैं ये कुछ ना अब तक क्या सुना रहा था, मेरे कहा जब तो इतना समझ जाते तो कभी नहीं हो जाते बनके। बहुत अच्छे असल में क्या है, अब तो समझ गए होंगे आप, शहर वाला भी गुप्ता इनको कभी नहीं मानते। इस बात का जवाब इसलिए दे रहा क्योंकि मनवीर छोटा भाई है, पिछले 25 सालों से देश विदेश की यात्राएं तमाम मंचों पे रहती हैं, और ये बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी साजिश है, ये सांस ले ले इतना जोर से बोल रहा, सांस काम पड़ जाए तो इल्जाम ना लग रहा कि वहां गया था और इसी वजह से गया। क्योंकि अच्छा क्या है, ये छोटा भाई है, मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा गुप्ता जी, सुनो, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं जानता हूँ छोटे भाइयों को मान सम्मान देना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। रावण ने छोटे भाई विभीषण की नहीं मानी, लंका जल गई। प्रमोद महाजन ने नहीं मानी, प्रवीण महाजन छोटे की तो खुद निपट गया, तो भाई मेरे में इसलिए जवाब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने ये तो स्वीकार किया रावण हो, तू लगा रहे भाई। तू लगा रहे। देखो ये मेरे इतने अनन्य और जघन्य टाइप के दोस्त थे कि इनके होते हुए कभी दुश्मन की जरूरत पड़ी नहीं। और इसे तो लगना, इसलिए मैंने पहले कहा था आज सबसे ज्यादा पेमेंट में मुझसे ज्यादा 500 फालतू इसके, तो मुझसे ज्यादा तो इसे ही काम करना। ये कह के तुमने जो अपने 500 रुपए बताए हैं मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां मैं और निवेदन करता हूँ। देखिए कविता सुनने वाले जितने लोग हैं, मैं एक प्रयोग आपको सुनाता हूँ, ये हिंदी में अपनी तरह का मौलिक प्रयोग है, इससे पहले आपने ये प्रयोग नहीं सुना होगा, हिंदी लिटरेचर में नहीं है। कवि सम्मेलन वही सुना रहा, कवि सम्मेलन छोड़िए, कविता अगर पढ़ेंगे तो हिंदी लिटरेचर में आपको ये प्रयोग नहीं मिलेगा। और चूंकि ये वो क्षेत्र है, मैं हमेशा बोलता हूँ देश की सरहद जब जब सर और खून मांगती है सबसे पहले यहाँ के बेटे बलिदान होने के लिए तैयार होते हैं, तो अगर उस क्षेत्र में खड़ा हूँ तो चार पंक्तियों में मैं बांधने की कोशिश करता हूँ। एक प्रयोग सुनिए, छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है, आप यहाँ सब जानते हैं। मैंने पहली बार प्रयोग किया है कि मैं तुकांत बदल नहीं रहा हूँ, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है, यानी पहली पंक्ति में वो शब्द एक बार है, दूसरी में वो लगातार दो बार है, तीसरी में लगातार तीन बार है, चौथी में लगातार चार बार। ये बिल्कुल मौलिक प्रयोग आपको समर्पित करता हूँ। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, लोग कहते हैं कैसी जीनी चाहिए, सैनिकों से सीखिए कि जीवन जीना कैसे चाहिए। और या फिर मैं आपको बताता हूँ, चार पंक्तियां आपके आंगन में समर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ सुनना। और विशेष रूप से हमारे चेयरमैन साहब किधर गए, सरपंच साहब यही है, लिफाफा चिंता मत कर। अब तो समझ गए होंगे कि बनिए की दिखा कहाँ रहती है। बनिए की नहीं, मुझे पता है तू चार बार क्यों नाम लिया, मुझे मालूम। तो मालूम क्या है, लिफाफा तुम्हें भी मिलेगा पर पैसे नहीं होंगे। ये टटोल रहा है कि जो सही व्यक्ति है वो है भी कि कहीं निकल लिया। मुझे पता था जब तक तुम वहां बैठे हो वो कहीं नहीं जा सकता। ये चार पंक्तियां मैं विशेष रूप से अपने भाई सतीश को और चेयरमैन सरपंच साहब को समर्पित कर रहा हूँ, सुनना। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। प्रेम इससे ऊपर नहीं होता। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे, परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और करो कौराली वालों, अगर एक अंतिम पंक्ति पर कविता भी हो गई और मैंने बात ढंग से कह दी हो तो अंतिम पंक्ति पर सबकी तालियां मांगता हूँ आशीर्वाद के लिए। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे, युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। बहुत अच्छे। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी, अच्छा लगा आपको? अब एक बार तालियों के साथ मुझे बता सकते हैं। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। मुझे एक विद्यालय में बुलाया गया 2 अक्टूबर की तैयारी कराने के लिए, तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है। एक बच्चा खड़ा हो गया,
बोले मैं बताऊं, मैंने कहा बताओ, बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। मैं समझ गया बच्चे का जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो बोलते हैं। लेकिन मैं सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, चाहे केंद्र में हुआ हो, चाहे हरियाणा में हुआ हो, चाहे कहीं भी यूपी में हुआ हो, परिवर्तन कभी कोई एक व्यक्ति नहीं करता। केंद्र में एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हम सबकी मानसिकता जब एक हो जाती है, विचार एक हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है। मैंने इसी प्रयोग में इस परिवर्तन को बांधने की कोशिश की है, और अगर ठीक लग जाए तो फिर सबका मन मांगता हूं, दूसरा छंद आपको निवेदन करता हूं। प्रयोग यही है कि जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। और द्वेष भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। और द्वेष भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। कि बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। और एक पंक्ति अगर वोट देने से पहले दिमाग में यही रहा हो तो सबकी तालियां उठे एक बार, कि बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। अपराध और राजनीति के जो आपस में जुड़े तार 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 चाहता हूं मैं। अपराध और राजनीति के और सियासत से तो मैं हमेशा बोलता रहा हूं। अगर आपके गांव की तरफ से जवाब दे रहा हूं, आपकी खुददारी बोल रहा हूं, तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे सुनना के बेसिकली हम हैं क्या। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। अगली एक पंक्ति में अगर खुददारी आपकी मैंने बोल दी हो, स्वाभिमान बोल दिया हो, तो जितने युवा मित्र बैठे सबकी तालियां उठे कि होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। वाह वाह। लेकिन हम हैं अखर फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो पर अंदर से हिल जाता है, जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। अहंकार मत पालिए। और मैं एक जिक्र यहां किया गया, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, भारत जो चीज पैदा करता है, भारत जो चीज बनाता है, पाकिस्तान की जिद होती है कि वो भी वो चीज बनाए। अब भारत ने जैसे पप्पू पैदा किया, बढ़िया भाई बढ़िया है। असल में है क्या, समझिए, मेरठ की तरफ ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो गई, तो सोनिया गांधी जी वहां पे गई मुआवजा देने के लिए, तो मुआवजा बांटा किसानों में। वहां के किसान ज्यादा चतुर निकल आए, उन्होंने आपस में चंदा किया, सोनिया जी के पास आ गए, बोले आप भी मुआवजा ले लो। सोनिया जी ने कहा हम क्यों मुआवजा ले ले, बोले क्यों, फसल तो आपकी भी नष्ट होगी। और जितने लोग अगली बात समझ जाएंगे, बारीक है ये आपके लिए भी नहीं है, बारीक बात अगर ठीक लग जाए तो सबकी तालियां उठे, बोले फसल तो आपकी भी नष्ट होगी और हम तो किसान है, अगले साल दोबारा खेत जोत के फसल बोलेंगे। तालियां बजाओ एक बार। तो पाकिस्तान की भी जिद, उसने भी एक पप्पू पैदा किया, नाम आप जानते हैं बिलावल भुट्टो, वो कहता है पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, मैं कहता हूं पूरा कश्मीर तो अपने पास ही नहीं है, तो तुझे कहां से दे दें। दूसरा ये हिंदुस्तान है और उसमें भी हरियाणा, उसमें भी ये कोराली क्षेत्र, यहां कोई ट्रेन में खिड़की के साइड वाली सीट किसी को नहीं देता, उसे कश्मीर चाहिए। और मैं तो यूपी का हूं, मैंने कहा प्यारे बिलावल भुट्टो एक बार यूपी आओ तो हम तुम्हें बताएं कि भुट्टो के साथ करते क्या है। पहले उसे आग पर तब तक चारों तरफ से सेकते जब तक वो चटक नहीं जाता, यूपी वाला आदमी उसके बाद में शांत नहीं बैठता, फिर आधा नींबू काटेगा और नमक लगाएगा, फिर रगड़ाई करेगा। तो प्यारे एक बार यूपी आओ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, भारत माँ की वंदना के खिलाफ जो लोग हैं, हम भारत माँ को माँ क्यों मानते हैं, इस पर मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ आप सबको, आप आनंद लीजिएगा, निवेदन करता हूँ। कुछ मियाँ बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे, कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे। हम भाग्य बदल देते, हाथों को
स्वयं लकीरें देते हैं। एक पंक्ति में कविता हो तो बताना, हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकहत्तर हो शायद हथियार समूचे धर बैठे, कुछ याद इकहत्तर हो शायद हथियार समूचे धर बैठे, 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। अब भी विवाद करके सरहद पर तुमने गोले बरसाए, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। तालियां कमजोर हैं आपकी, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। फिर मियां बिलावल किस्मों से तुम कश्मीर की कहते हो, और 70 वर्षों की राजनीति एक पंक्ति में इशारे से बोलता हूं। फिर मियां बिलावल किस्मों से तुम कश्मीर की कहते हो, निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था, याद करिए जब बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था। मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था। भारत माँ के बेटे फौजी ही भोजन देकर आए थे, भारत माँ के बेटे फौजी ही भोजन देकर आए थे। वो कहो इशारा किसका, सेना पर पत्थर बरसाए थे। अब वो भी समझ गए होंगे किस ओर मौत की खाई थी, विपदा में भूखे बच्चों को माँ रोटी देने आई थी। और आज गणतंत्र दिवस के दिन अगर मैंने सिद्ध कर दिया हो कि हम भारत माँ को माँ क्यों मानते हैं, तो फिर सबकी दोनों हाथ उठाकर तालियां चाहता हूं। अभी नहीं, पहले सुन लो। विपदा में भूखे बच्चों को, देखो ये इधर गदगद हो रहे हैं, ये इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी आडवाणी जी की। मोदी जी जहां जाते हैं आडवाणी जी को साथ लेके जाते हैं, और उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठाते हैं, जैसे हमने दीपक गुप्ता जी को बिठा रखा। और फिर वो बोलते हैं, भाइयों बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से। और अगली बात पर आपकी थाक और तालियां दोनों उठे इनके सम्मान में। बोले, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो कुछ भी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विपदा में भूखे बच्चों को माँ रोटी देने आई थी। अगली दो पंक्तियां संभालना। विपदा में भूखे बच्चों को माँ रोटी देने आई थी। तुम लाखों पत्थर बरसा लो तब भी कैसे डर सकती है, लाते खाकर भी भोजन दे ये केवल माँ कर सकती है। लाते खाकर भी भोजन दे ये केवल माँ कर सकती है। लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता, लेकिन तुम कैसे समझोगे पाकिस्तान का चरित्र। समझिए, ये भाषा केवल बिलावल भुट्टो की नहीं है, ये भाषा इससे पहले इसकी माँ की भी थी, बेनजीर भुट्टो की। ये भाषा इससे पहले उसके नाना की भी थी, जुल्फकार अली भुट्टो। नाम याद रखिए, जुल्फकार अली भुट्टो, जैदे भुट्टो। किसने कहा उस समय कि अमन के गीत भी तुम साजे नफरत पर सुनाते हो। पाकिस्तान का चरित्र समझ लेना, अमन के गीत भी तुम साजे नफरत पर सुनाते हो। हम अब समझे हैं क्यों हर काम ही उल्टा तुम्हारा है। अभी तक ए शुरू में जैद आखिर में पढ़ा हमने, मगर तुम जैद ए हो, नाम ही उल्टा तुम्हारा है। मगर तुम जैद ए हो, नाम ही उल्टा तुम्हारा है। और मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो, मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो। सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो, अचानक टांग देते हो मुखालिफ पैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। एक बार अगर आमने सामने की हो जाए तो बात हो, लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता। उसको विश्व ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विश्व होता। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। इस बार उठे तालियां आपकी गणतंत्र दिवस के उत्साह में। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। अब शेर स्वयं भारत माँ का दिल्ली के सिंहासन पर है। बहुत बहुत आभार, जय हिंद। और बिना किसी भूमिका के मैं अपने बड़े भाई दीपक गुप्ता जी को बुलाना चाहता हूं आपके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, केवल ये कहते हुए कि अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से। मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से।